हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये अगर हम बीट रूट खाते हैं, जिसे चुकंदर कहते हैं, और 30 दिन तक अगर हम लगातार खाते हैं, तो अंदर के सारे पार्ट रेड हो जाएंगे, सारा मटेरियल रेड हो जाएगा। अबे यार, ये मैंने क्या बोल दिया, कुछ ज़्यादा ही सच बोल रहा हूँ मैं। चलो, अब ये क्या करता है, ये स्किन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें हाई सोर्स में होते हैं एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन एंड मिनरल होते हैं, जो हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को करने के लिए। अब इसमें क्या क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल, मिनरल्स में इसमें पोटेशियम होता है 9%, 325 mg, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है, सब आपको मिल जाएगा, कैल्शियम होता है। विटामिन में इसमें विटामिन सी होता है, ए होता है, के होता है, B6 होता है, बी जो स्किन के लिए ओवरऑल उसके लिए अच्छे होते हैं। इसमें कार्ब्स भरपूर मात्रा में होते हैं, डाइट्री फाइबर एंड शुगर भी होती है उसमें, प्रोटीन भी माना जाता है, और वाटर 87% होता है पूरे चुकंदर में, तो इस वजह से हाइड्रेट रखता है स्किन को। ठीक है, स्किन को इम्प्रूव करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, जो रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, इलास्टिसिटी बढ़ाता है, कोलेजन का प्रोजेक्शन बढ़ाता है, हाइड्रेट रखता है क्योंकि इसमें अच्छी क्वांटिटी में वाटर है, इन्फ्लामेशन स्किन को स्मूथ रखता है, रिड्यूस करता है रेडनेस लाइक रोजिया और एक्ने पिंपल, और इरिटेटिंग स्किन होती है तो उसे हील करता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है, बेटर करता है, प्रमोट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब ये इम्प्योरिटीज़ को हटाता है ब्लड सर्कुलेशन एंड बॉडी से एंड डाइजेस्टिव सिस्टम से, एक्ने रिड्यूस करता है, ब्रेकआउट्स को पूरी तरह से कम करता है क्योंकि इसमें फाइबर है, एंड स्किन की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, मॉइस्चराइज रखता है, मॉइस्चराइज रिड्यूस करता है ड्राइनेस को, स्कार रिडक्शन, ये ब्लेमिश के लिए अच्छा है, ब्लेमिश करता है स्कार को, क्योंकि इसमें मल्टी विटामिन एंड मिनरल्स है, हील करता है स्कार को एंड उसे अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड करता है, स्किन इलास्टिसिटी, स्किन को अच्छी इलास्टिसिटी देता है क्योंकि कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, समझ गए। तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट खाने के लिए आपको इसको खाना होगा कंटिन्यू और देखना चेंज।